हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे लॉक स्क्रीन के ऊपर से अपनी फ्लैश लाइट को रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पर आके शो इन ऐप लाइब्रेरी को आपको इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आके आप लोगों को सारी चीज़ें मिल रही होंगी। व्यू के अंदर आपको आके स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। देन आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप लोगों को आ जाना है जनरल वाले सेक्शन के अंदर, और जनरल वाले सेक्शन में आने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास शो हो रहा होगा, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। इसके अंदर आके इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग के ऊपर आपको टैप कर देना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।